गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मुझे हंसी आ रही है अपने बालों को देख कर, जो ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, नए बाल उड़े रहे हैं। तो यार एक मिनट, अजीब ही लग रहा है। अब एक हाथ तो काम नहीं कर रहा है तो दूसरे हाथ को ऐसे ही, अब क्या कर सकते हैं यार। रात में इतनी लेट नींद आई क्योंकि दर्द हो रहा था हाथ। पेन किलर की दवा खाई फिर भी आराम नहीं था। अभी दवा खाई हूँ, मॉर्निंग हो गया है, ब्रश वस कर ली सब कुछ। मैंने कहा आज नहाऊंगी नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, तो नाश्ता पानी कर लिया, दवा खा लिया है। बस थोड़ा सा वो ना क्रीम दिया है लगाने को, तो लगाती हूँ। वीडियो लाइव किया है, सोऊंगी, उठूंगी तब देखूंगी क्या करना है। ये पिछवतने से लगा देती हूँ। आज सुबह उठते ही कुत्ता मम्मी का साड़ी काट दी। मम्मी जो येलो और रेड कलर की साड़ी पहन के खूब धूम मचाई थी, कुत्ते ने काट के एकदम पूरा वो कर दिया। भोले का। अब वीडियो में नाम लगूंगा। दिखाई साड़ी एकदम चिथरा चिथरा नहीं है साड़ी के, एकदम साड़ी मम्मी की फाड़ के ना वो कर दिया। सबसे चिंता में रहे कि ज्यादा कम से कम पायल दिया 4000 का पायल। ये हाथों में सूजन है, ऐसे बंद नहीं हो रहा है। नहीं बस, अब व्लॉगिंग मेरी मम्मी करेंगी। पूजा होता रहने लगा, आज पूजा कर चलिए सनीचर, पूरा गंदा होगा। झाड़ू पोछा हम ही करते थे, घर पूरा गंदा है, भरे गंदा हो ना मम्मी। हाँ, वो पानी गिरा के मार दे तू झाड़ू से। हम क्या दिमाग में वाला कि ज्यादा कल्याणी करें, नहीं कल्याणी करें, कल्याणी। अब ये महीना भर तो छुट्टी ले लें, एक महीना छुट्टी, कुल दवाई 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 चारों तरफ दवाई एकदम। जैसे लगा था कि वो पकड़ कसक कस के ऐसा दबाया पूरा। सिकुड़ी गल थोड़ा सा, मैं इसे करता था ऐसे खोला, इसे खोला इधर से उठा फैला के खुद दबाई के। राती में खुजली होता लग, वहाँ जहाँ हथवा गर्म पट्टियाँ बांधल कैसे खजुआ। भगवान ना कभी किसी को ना किसी के सहारे ना करे। मुझे तो थोड़ी सी ये समझो खरोच टाइप में लगी है, तो मुझे समझ में आ रही है कि चीज़ें दूसरों से जो कहना पड़ रहा है, कि मम्मी से बार बार कहना पड़ रहा है ये कर दो वो कर दो, तो कितना भारी लग रहा है। अपने हाथों से कर लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे एक कमेंट आया था कि अपने हस्बैंड को खा गई तो उसी कर्मों का फल है। मुझे तो पता है कि मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया नहीं है, और शायद ये ना बहुत बड़ा हादसा होने वाला था और भगवान ने एक छोटा सा झटका दिया मुझे बचाने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं भी कोई बहुत टेंशन में नहीं लग रही और मम्मी भी मेरी टेंशन में नहीं लग रही, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आज मैं जो झेली हूँ ना, झेल चुकी हूँ, और जो मैंने झेला है, झेल के जो निकल चुकी हूँ, तो मेरी मम्मी को पता है कि ये उसके लिए ना खरोच के बराबर है। इसीलिए ना मुझे फ़र्क पड़ेगा ना मेरी मम्मी को फ़र्क पड़ेगा, हम लोग दोनों ही हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बेटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मेरे कर्म गिनवाने से पहले ना अपने कर्म देख लेना कि तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ क्या होगा तुम अगर किसी को ऐसा बोल रही हो। ठीक है, जो भी इंसान हो, एक दो लोग जो बोले ना कि कर्मों का फल है, तो तुम अपने कर्म देख लो बेटा और तुम्हारे साथ आगे क्या होगा ये भी देख लेना। मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरा भरोसा है और मेरी मम्मी को भी पूरा भरोसा है मेरे पे।
ठीक है, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऐसे कमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ तुम्हें जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जैसे लोगों का ऐसे ही मन बढ़ता है, जिसका खुद का कर्म खराब होता है ना, वो दूसरों पे उंगली ज़्यादा उठाते हैं। मेरी बड़ी मम्मी गाना सुन रही, जीजा तू काला मैं गोरी भड़ी, हंसी आ रही बाहर। चलो रेस्ट करो भाई, अब जिंदगी में रेस्ट है, थोड़ा योगा करके शरीर बनाए थे, हवा निकाल ले, डिशुम डिशुम। आज है मौसम ठंडा और हम सोएंगे, उल्टा खड़ी हो जा रही थी मैं सिर के तरफ, सिर बस नीचे ऐसे, सिर नीचे कर देती थी, पैर ऊपर, ऐसे शरीर का बैलेंस बना लिया था योगा करते करते। मम्मी के पास रहा फोटो ना, मम्मी खींची थी मम्मी दिखाएगी, ऐसे उल्टी खड़ी हो जा रही थी, बहुत शरीर योगा करके शरीर बहुत बढ़िया बना था, हाथ पैर बहुत बढ़िया बना, लेकिन सब खराब हो गया। कोई नहीं, फिर से एक बार स्टार्ट करें, कैसे कैसे तो दर्द होना शुरू होता है ना योगा करने से, मैनेज की थी तब तक। पैरों का योगा कुछ दिन बाद से, पैरों का योगा तो कर ही सकती, करूँगी अनुलोम विलोम, थोड़ा सोच रही हूँ एक हफ्ता डगमग ना करूँ, क्योंकि दर्द तो है, ये हाथों में सूजन है। मम्मी एक तो साड़ी पहन ले हैं मलयालम की तरह, और सफ़ेद वाला टीका लगा ले हैं, जैसे एकदम मलयालम का वो लगा था। अयो जी मुत्तु स्वामी, ये एकदम वो मद्रासी हीरोइन जो होती है, मद्रासी वही मम्मी लग रही है, मद्रासी मम्मी। उल्टा फोटो खड़ा हो वाला हाथ और पास डंडा मत ही लगत रहे, डिलीट कर दे। अरे पानी है ना, तो कसम से दवाई कहा था कि को पप्पू का फोन आई, तू चल 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 कर ले वाली लाओ, तो का कर है ये घर का नहीं काम करती अम्मा, लेके फल आई नहीं देखा बने, तोड़बा ना करती अब रह हां, यहाँ पे पुराने वाले घर से अम्मा आई थी और भैया आए थे, तो इनको पता है कि मतलब अमरूद हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पका वाला नहीं पसंद है, कच्चा वाला पसंद है, कच्चा अमरूद मैं पसंद करती हूँ, और मतलब यार जो पका होता है ना मज़ा नहीं देता, कच्चा वाला अच्छा लगता है। तो ढेर सारा अमरूद पुराने वाले घर पर हुआ है, तो वही बोल रही थी आके खा जाओ आके खा जाओ, तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं बहुत कम निकलती हूँ बाहर, तो आ रही थी अम्मा तो लेके आई, और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो इनका कॉल आया था अम्मा का, पता नहीं कैसे पता चला क्या हुआ, मतलब कॉल आया था, तो फिर आज आई हैं दूसरे दिन वही देखने के लिए। आज मैं नहाई नहीं और ऐसे ही बैठी रह गई, हाथ पैर धुला ना आया नहीं, कपड़ा नहीं चेंज किया, मैंने कहा कल नहाऊंगी बाल धुल के, बाल में अभी तेल लगवाना है, मम्मी को रात में बोलती हूँ कि लगा दे, वो लगा तो सकती हूँ मैं भी, कह दिल की भाई ये सही से नहीं लगेगा, और फिर कल मम्मी बाल धुलेंगी। ये वाला हाथ ना फूला हुआ लग रहा है, ये हाथ ऐसे बंद कर रही हूँ ना तो बंद नहीं हो रहा है, जैसे बहुत दर्द कर रहा है बांधने से। हाथ फुला हुआ है, ये पता नहीं कहाँ से, जैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, गले का पट्टा निकाल दिया, गले से जो पट्टा लटकाया था हाथ में वो निकाल दी हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे गर्म पट्टी जो लगी हुई है कंधे से यहाँ तक, ऐसे खुजली हो रही है अंदर, कैसे खुजली करूँ, रात में तो नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी हो रही थी। ये कस के जो पकड़ा हुआ है ना, मैं पूछो मन, पता नहीं एक दिन में ये हाल है, अब आगे कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा।
चलो आपको मिलते कुछ देर बाद।